हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम इंटर कन्वर्जन की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें मैं आपको कैसे, जैसे आपको न्यूमेरिकल सामने दिख रहा है कि हाउ विल यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एसआई यूनिट, कि आपको एक कोई और यूनिट्स में डाटा दे देंगे उसको कहीं एसआई यूनिट में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट क्या है। जैसे लेंथ है तो उसका क्या है, मीटर। टाइम है तो केल्विन। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। डेंसिटी है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप पिछली वीडियोस में याद कर चुके हैं। अब मुझे डाटा दे देंगे, जैसे यहां पे दे दिया 6 फीट 10 इंच को कन्वर्ट करिए एसआई यूनिट में, तो इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो कई स्टूडेंट्स बुक्स में जो टेक्निक दे रखी उसको देखिए कंफ्यूज है। मेरे पास मैसेजेस आए हैं, सर ये डिफिकल्ट पैटर्न दे रखा है, कोई इजी है, तो मैं उसको थोड़ा सा इजी करके आप लोगों के लिए बना लेके आया हूं कि कैसे मैं सोल्व करता हूं, वो टेक्निक मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अगर मान लो मुझे क्वेश्चन आ गया 6 फीट 10 इंच, अब मुझे इसको कन्वर्ट किसमें करना है, स्टूडेंट मीटर में, क्योंकि जब लेंथ की यूनिट आ गई तो लेंथ के ऐसे यूनिट क्या है, मीटर। तो चलो करते हैं कन्वर्ट इसे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए। जैसे मुझे ये पता है भाई 1 फीट क्या होता है, 12 इंच होता है। जब तक आपको ये याद नहीं है कन्वर्जन, तो पहले तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, उन्हें याद करने हैं 1 फीट 12 इंच। इसी तरह 1 इंच जो होता है वो आप सबको पता है 2.54 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर की बात करें तो 10^-2 मीटर। कई स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, बड़ी छोटी सी बात है मगर होते हैं। अब हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को आपको पता है ऐसे लिख सकते हो 10^2 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया स्टूडेंट, ध्यान रखना 10^-2 मीटर। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये छोटी छोटी बातें ही आपको सीखनी है अगर आपको अपना बेस क्लियर करना है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब मुझे अगर कन्वर्ट करना है मीटर में तो देखिए मैं कैसे करूंगा। अब ये 6 फीट है तो मुझे पता है 6 × 12, 1 फीट 12 इंच है, प्लस 10 इंच ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे पास ये टोटल जो हो गया स्टूडेंट वो हो गया 82 इंच। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंच से किसमें जाएंगे हम, सेंटीमीटर में। तो 82 × 2.54 सेंटीमीटर, मगर तो मुझे तो मीटर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा 82 × 2.54 × 10^-2 मीटर। तो बस मेरा कैलकुलेशन होगा, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती, क्या इजी टेक्निक है? यस, अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा राउंड अप कैलकुलेशन। ये 2.54 है, मैं इसको क्या ले लूंगा 2.5, और 2.5 जैसी वैल्यू जब कभी आती है तो इनको शॉर्टकट करके हम कर लेते हैं 5/2, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या करूं, 82 × 5/2 × 10^-2 मीटर, ये क्या हो गया 41, तो ये मेरे पर 205 × 10^-2 मीटर, और यही मेरा क्या हो गया 2.05 मीटर, ये मेरा आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली। अब जब कैलकुल उसमें करो, ये कॉम्पिटिशन में नहीं आता तो वैल्यू थोड़ी बहुत वेरिएट करेगी, क्योंकि हमने इसका 4 नहीं लिया, तो 2.08 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यूनिट्स का पता होना चाहिए बस, और फिर आपने जैसे बुक्स में लिखा रखा है, मैंने देखा काफी बुक्स में, प्रदीप में और अरिहंत कॉम्पिटिशन में, तो उन्होंने काफी लंबा चौड़ा टेक्निक लगा रखी, नहीं लगानी, बिल्कुल सिंपल काम करना है। अब अगला आ गया मेरे पास 200 पाउंड। अब मुझे ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करूं, पाउंड को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। अब मुझे पता है 1 पाउंड जो है वो 454 ग्राम के इक्वल होता है, तो कर लेते हैं। तो 200 आपने यहीं पे डायरेक्ट करना है, 200 × पाउंड को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 554 ग्राम, मगर मुझे तो किलोग्राम में चाहिए, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 10^-3 किलोग्राम, बस हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर कोई बटे में जब बुक्स में लिखाते हैं इसके बटे ये वो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपने क्या करना है सोल्व करना है। इसी तरह नेक्स्ट पे चले, इसी पे 60 माइल्स पर आवर, ये डाटा गिवन है। अब मुझे कन्वर्ट किसमें करना है, ये लेंथ है, लेंथ हो गया मीटर, और ये क्या है टाइम, ये हो गया सेकंड, यानी कि मुझे जो ऐसा यूनिट कन्वर्ट करनी है वो मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट 60। अब पहले वही वाली बात करें, तो अपना डाटा अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, यार मुझे पता है कि 1 माइल जो होता है वो 760 यार्ड होता है, 1 यार्ड जो होता है वो 3 फीट होता है, 1 फीट जो होता है वो 12 इंच होता है, 12 इंच जो है
वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर। मुझे मीटर में जाना है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10^-2। बस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखो बेटा स्टूडेंट ध्यान से देखो मैं कह रहा हूँ। अच्छा आवर है, आवर किसमें कन्वर्ट करें, मिनट में, मिनट में किसमें कन्वर्ट करें, सेकंड में। देखिए मैं क्या करूं, 60 × पहले क्या करेंगे 760 यार्ड हो गए। यार्ड को हमने कन्वर्ट किया फीट में, तो क्या हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये फीट में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इंच बन गया, और इसी को 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया सेंटीमीटर बन गया, और इसी को 10^-2 से कर दिया मीटर। यानी कि ये जो 60 माइल्स है इतने मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आवर है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो अब आप इसे सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट, और ये सोल्व करके आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब ये कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आपसे नहीं होगी। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये मीटर पर सेकंड में आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी डाटा सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन बात है कि आपने यहीं पे स्टार्ट कर देना है, ये नहीं करना कि भाई जैसे बुक्स में जो टेक्निक दे रखी है उस तरह में कोई करने की जरूरत नहीं है, और कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अब अगला क्या है, कई बड़े सिंपल भी रहते हैं। अब जैसे अगला देखिए mm का मतलब मिलीमीटर, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिली जो होता है वो 10^-3 होता है। 1 मिली का मतलब 10^-3, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.53 × 10^-3 मीटर हो गया कुछ। तो ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। अभी इंच दे रखा है, इंच को सेंटीमीटर में 0.0528 × 2.54 सेंटीमीटर, को सेंटीमीटर को मीटर में 10^-2 मीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ गया। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6, ये ग्राम में आ गया पहले। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम क्या होता है 10^-3 किलोग्राम हो गया सोल्व। 5 डेज, अभी जो प्रदीप की बुक में मैंने असाइनमेंट दी थी स्टूडेंट पिछली उसमें, तो उसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है, 2 डेज का आंसर गलत दे रखा है बुक्स में, उसे करेक्ट कर लेंगे आप। अब जैसे 5 डे है तो क्या करेंगे 5 × एक दिन में कितने घंटे होते हैं स्टूडेंट 24, ये 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, कितने सेकंड होते हैं 60, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने सेकंड आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला दे रखा है 5 लीटर, यहां पे थोड़ा सा सीखते हैं नई चीज। अब 5 लीटर है तो याद रखना 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है, तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूं 1000 ml। अब एक चीज याद रखना कि 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³। 1 ml जो होता है याद रखना क्या होता है, 1 cm³ और 1 ml एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये ml है यानी cm³, यानी मैं ये कह सकता हूं 5000 cm³, मगर मुझे तो क्या है मीटर क्यूब में जाना है, वॉल्यूम है, तो मीटर में कन्वर्ट। अब यहां पे एक बड़ी अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना स्टूडेंट 5000। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे सर 100, या अभी आपने कहा कि सेंटीमीटर का मतलब 10^-2 मीटर। अब कई स्टूडेंट ऐसे ही कर देते हैं, गलत है, याद रखना ऐसा यूनिट का नियम है, जो ये 3 है ना ये टोटल के ऊपर है, तो कहने का क्या मतलब क्या आएगा 10^-2 मीटर इस पूरे का क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5000 × 10^-6 मीटर क्यूब। अब ये 10^3 है एक तरह से, और यहां पे क्या हो जाएगा 5 × 10^-3 मीटर क्यूब, ये आपका क्या आ गया एसआई यूनिट आ गया। 1 लीटर जो होता है, एक बात ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, 1 dm³। अगर डेसीमीटर क्यूब में कभी कन्वर्ट कर लो जाते तो 1 लीटर 1 dm³ के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। यहीं पे अगर मुझे इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये 5 dm³ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 dm³। क्यों? क्योंकि 10^-1 मीटर का क्यूब, डेसी का मतलब होता है डी, डी का मतलब 10^-1, तो ये डी ये मीटर इसका क्यूब, तो ये आपका डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, डी का मतलब होता है डेसी, तो ये आपके जो यूनिट्स होते हैं डेसीमीटर क्यूब, तो 10^-1 मीटर उसका क्या है पूरा क्यूब। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर देते हैं यूनिट्स में। अगला है पाउंड में और पर इंच। अब कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो है वो है 14 pounds/inch². अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है,
अब पाउंड है तो अभी आपको मैंने सिखाया कि एक पाउंड में 454 ग्राम। अब ग्राम इसकी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-3 किलोग्राम। अब इंच दे रखा है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वेयर, ये सेंटीमीटर में भी किया मैंने, और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है मीटर, पहले इसको ही कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 × 454 × 10^-3 किलोग्राम, 2.54 का स्क्वेयर इंटू सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर 10^-2 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वेयर जो है ये क्या हो जाएगा 10^-4 मीटर स्क्वेयर। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे 10^-4 मीटर स्क्वेयर। अब इस पूरे को सोल्व कर लीजिए, आपका यूनिट्स जो आ जाएंगे किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यही किलोग्राम में दे रखा है 10^-3 किलोग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर करना है 10^-2 मीटर का होल का क्यूब कर दोगे तो 10^-6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना स्टूडेंट, जो मैंने आपको टेक्निक बताई, आप कोई बुकिश टेक्निक को ओबे नहीं करना, आपने सिंपल जो डाटा आ रहा है उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए और आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर भी किसी ऐसे यूनिट में आपको दिक्कत आती है कन्वर्जन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें, मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।